या बाज ने लिखा है कि वहां पर आग लगाई जिससे वो गिरजाघर में नुकसान हो गया। तो इस वाक्य की वजह से उस बादशाह को अबरार को बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा कर लिया कि मैं अब जाकर बैतुल्ला को और काबे को ढा दूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा और तोड़ दूंगा। तो वो इस इरादे से 60,000 से ज्यादा का लश्कर लेकर निकला यमन से और उसके साथ हाथी, एक बड़ी तादाद में हाथी भी थे। तो लिखा है कि इतना ज्यादा लश्कर था कि मक्का के जो लोग थे वो पहाड़ों में जाकर छुप गए क्योंकि वो उससे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। तो अल्लाह ताला ने उसी वाक्य को इस सूरत में जिक्र किया है और ये वाक्य आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए हैं उसी साल पैदा पेश आया कि आपकी विलादत से 40 या 50 दिन पहले ये वाक्य पेश आया है। तो ये एक गोया की अलामत भी थी क्योंकि ये ऐसा वाक्य था, अभी तर्जुमे से मालूम होगा, कि जिसमें एक जो आम तौर से मामला होता नहीं है दुनिया में कि परिंदों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इतने भारी भरकम लश्कर को हलाक कर दिया और ऐसा हलाक किया कि वो खाए हुए भूसे की मानिंद हो गए। तो वो गोया कि इस बात की तरफ निशानदेही थी कि दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है और कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की तरफ इशारा था। और अल्लाह ताला ने भी इस सूरत को जो नाजिल किया आपके ऊपर वो इसीलिए नाजिल किया कि ये मक्का वाले आपको झुठला रहे हैं और आपकी नबूवत का इनकार कर रहे हैं, आखिरत का इनकार कर रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले ही तो हमने अपनी कुदरत का इजहार इनके सामने किया था और इनको अपनी कुदरत और ताकत दिखाई थी, उसके बावजूद ये हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा कि आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। यहाँ पर खास अल्लाह के रसूल को मुखातब तो किया गया है लेकिन उससे मुराद और आपके वास्ते से पूरी उम्मत को खिताब है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने वाले लोगों कि ये, यानी सहाबा खास तौर से, कि ये जो मक्का वाले झुठला रहे हैं ये सब जानते हैं कि अभी 50 दिन पहले ही वाकया पेश आया, बड़ी तादाद उन लोगों की मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से उस लश्कर को हलाक होते हुए देखा। तो अल्लाह ताला ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अलम तरा कैफ़ा, कि इन्होंने नहीं देखा या आपने नहीं देखा। ये एक ताबीर होती है कुरान में और अरबी में इस्तेमाल की जाती है और इससे थोड़ी सी असर ज़्यादा पैदा होता है कि ख़ास एक इंसान को मुखातब किया गया या ख़ास कुछ लोगों को मुखातब किया गया, दूसरे लोग उससे उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते कि आखिर इस शख्स से क्या बात कही जा रही है, तो वो ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको खिताब किया और तमाम लोगों को बताया कि आपके परवरदिगार ने तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनकी जो साजिश थी और जो उनका इरादा था काबे को गिराने का, क्या अल्लाह ताला ने उसको बेकार और नामुराद नहीं कर दिया, यानी वो अपने इरादे में और अपनी साजिश में नाकाम नहीं हो गए। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन पर, उस लश्कर पर, अबाबील नामी परिंदों के झुंड भेजे और एक बड़ी तादाद में परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उन परिंदों की हालत ये थी कि उन परिंदों की चोंचों में और उनके पंजों में, एक रिवायत में आता मुफस्सरीन ने लिखा है, चने के बराबर के कंकर थे और वो कंकर पत्थर के थे। तो वो उन पर, उस लश्कर पर, वो परिंदे उन कंकरों को फेंक रहे थे जिसके नतीजे में ये होता था कि फजा अला उनका असम माकूल, कि जिस हाथी पर, जिस इंसान पर वो कंकर पड़ता था तो वो उसके ऊपर से घुसता था और नीचे से पार हो जाता था, इतना सख्त अल्लाह ताला ने उसमें असर रखा था। और फिर जैसे ही वो उसके पार होता था, अब वो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे खाया हुआ भूसा होता है कि जो किसी मतलब का नहीं होता और हवा में आसानी से उड़ जाता है। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लश्कर इतनी आसानी से और इतनी बुरी तरह हलाक और बर्बाद किया। तो इस सूरत से जो हमें तालीम मिलती है और जो सबक मिलता है वो यही मिलता है कि अल्लाह ताला, पहली बात तो उलमा ने लिखा है कि किसी इंसान का या मुसलमानों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत, अपने घरों की हिफाजत और अपने जो दीनी काम है उनकी हिफाजत परिंदों से भी ले सकता है और अपनी जो लैबी मखलूक है फरिश्तों से भी ले सकता है।
तो अगर इंसान अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए अपने आप को लगाएगा, अल्लाह के दीन के कामों में अपने आप को लगाएगा, तो वो अपना ही फायदा करेगा और खुद वो अजर पाएगा। वरना अगर वो नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे इंसानों को खड़ा कर देंगे, और अगर दूसरे इंसान भी इस काबिल नहीं होंगे तो फिर अल्लाह ताला अपनी दूसरी मखलूक से काम ले लेंगे। और दूसरी चीज इस सूरत में ये मालूम हुई कि जो जिस इंसान के इरादे सही नहीं होते हैं और जिस इंसान के इरादे गलत होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसको नाकाम करते हैं, नामुराद करते हैं। बज़ाहिर थोड़ी देर और कुछ टाइम तक उसको लगता है कि मैं अपने इरादे में कामयाब हूँ, लेकिन वो अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता है। तो लिहाजा आज के ज़माने में भी जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम को मिटाने की और ख़त्म करने की साजिशें करते हैं और ये सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो उनको जितनी हद तक कामयाबी मिल रही है बज़ाहिर उनकी निगाहों में, वो अल्लाह की तरफ से उनके लिए ढील है और छूट है। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया है कि ये दीन कयामत तक रहने वाला है और कयामत तक इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। लिहाजा उन लोगों को भी समझना चाहिए और हमें और आपको भी कुरान पाक को समझकर उन लोगों तक पहुँचाने की और उन लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।